अब बात आप कर रही हो कि डेड्स वेल की, तो डेड्स वेल बेसिकली लाहौर कलंदर के पीडीपी का हिस्सा, इंटरनेशनल पीडीपी प्रोग्राम। अभी जो नबीबिया हमारी टीम, एक्चुअल में नबीबिया की टीम चूंकि इस दफा वर्ल्ड कप में थी, तो डेविड वीजा ने लाहौर कलंदर को कह के एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया कि आप लोग नबीबियन टीम के साथ एक अपनी टीम भेजें, तो हमारी थोड़ी सी वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर लाहौर कलंदर की टीम जो नबीबिया उस ट्राई सीरीज खेलने गई थी, उसमें डेड्स वेल लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे, और उसने पहले ही मैच 60-70 रन करके लाहौर कलंदर को जितवा भी दिया था। तो बेसिकली साउथ अफ्रीकन है, मीडियम पेस बॉलिंग भी करता है, मिडिल ऑर्डर बैटर है, 148 के करीब का इसका स्ट्राइक रेट है, पावर हिटर है। साउथ अफ्रीकन लीग आजकल खेल रहा है, कोई नोटिसेबल इसकी भी परफॉर्मेंसेस तो नहीं है, मगर ये कि मिडल ऑर्डर बैटर है और तेज खेलता है और फास्ट बॉलिंग मीडियम फास्ट। तो इस साल का हमारा वो डीन फॉक्स क्रॉफ्ट है बेसिकली। तो मगर जारी बात है कि यार आप एक प्रोडक्ट बनाई है लाहौर ने पीडीपी वाली, तो उसमें अगर आप प्लेयर्स को चांस देंगे तो आगे दुनिया आपके पास फिर आपका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आएगी। तो इसी वजह से इस दफा 7 प्लेयर्स जो लिए हैं, उसमें से हमारा एक प्लेयर पीडीपी का शेन डैट्सवेल भी है। से देख रहा था शेन डेट्सविल का, तो ही हैज अ रैकेट इन क्लब क्रिकेट के उसने 50 ओवर गेम में 470 रन की इनिंग खेली थी एंड ही हिट 57 सिक्सेस इन दैट गेम। तो आई मीन अगेन आप 50 ओवर क्रिकेट के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी इनिंग है और आप सोच के भी डर लगता है। बेशक आपकी 30 मीटर की बाउंड्री रखी हो आपने, लेकिन स्टिल इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि क्या ये वो हैरी ब्रुक को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, जो लास्ट ईयर में हैरी ब्रुक ने लाहौर कलंदर्स के लिए किया था, क्योंकि हैरी ब्रुक वॉज रियली इंस्ट्रूमेंटल कलंदर्स की जीत के अंदर, मिडल ऑर्डर के अंदर। तो इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक ही इज गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट टू वॉच।